શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા એકા એક બેટી કક્ષા 7 વિદ્યાર્થી મિત્ર પહેલે તાસ મેં હમને કાવ્ય એક બેટી ઇસકે બારે મેં અભ્યાસ કિયા થા ઉસકા ગાન કિયા થા આજ હમ ઇસ પાઠ કા भावार्थ समझेंगे और शब्दार्थ और मुहावरे के बारे में जानकारी लेंगे। हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। सहारा यानी आश्रय, आधार, चमकना यानी जगमगाना, यहाँ इस काव्य में उसका अर्थ है उन्नति करना। उजियारा प्रकाश, तितली रंग बेरंगी पतंगिया, दुनिया विश्व जगत, बाग बगीचा उपवन, गगन नभ आकाश, चंदा चंद्र शशि, मेहनत तो परिश्रम, फूल यानी पुष्प, हवा यानी वायु। तो आपको ये शब्द का अर्थ याद रखना है। अब हम इस काव्य के मुहावरे के बारे में अभ्यास करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। पहला, तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना। हवा को चूमना मंजिल पाना। तीसरा, अपने पांव पर चलना आत्मनिर्भर बनना। तो ये मुहावरा भी आपको याद रखना है। अब हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, गगन पर चमकेंगे चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। तो इस पंक्ति का हम भावार्थ करेंगे। मैं एक बेटी हूँ, बड़ी होकर तारे की तरह चमकूंगी और दूसरों को मदद करूंगी। जिस तरह आकाश में रात को चंद्र चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और धरती पर ज्ञान का प्रकाश फैलाऊंगी। आपको भी ये बनना है। आप भी इस देश की बेटी है, आपको भी इस धरती पर चमकना है और अपना ज्ञान फैलाना है। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। लड़की क्या बात कर रही है, मैं एक लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं बहुत पढ़ूंगी और मेहनत कर स्वनिर्भर बनूंगी, दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। बेटी क्या कह रहे हैं कि मैं बागों के फूलों की तरह खिलकर अपना नाम रोशन करूंगी, देश में हमारा नाम रोशन करूंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं धरती पर नाचती गाती रहूंगी, क्योंकि मैं एक नारी हूँ तो क्या, मैं एक लड़की हूँ तो क्या, मैं भी फूलों की तरह खिलकर अपना नाम रोशन करूंगी, देश में अच्छे अच्छे कार्य कर मैं अपना नाम रोशन करूंगी, और नाम रोशन करते ही मैं धरती पर नाचती गाती रहूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। आजकल लड़कियां भी पढ़ लिख कर दुनिया में आगे बढ़ रही है, नारियां की भी आज के समाज में पुरुष की तरह स्वनिर्भर बन रही है, वे भी सम्मान की अधिकारिणी है। राष्ट्र और समाज की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी बालिका की आशा एवं भावनाओं का वर्णन किया गया है। हूँ एक दीकरी छू, पण मोटी थईने तारो बनीश, तारो बनीश, बीजाने मदद करीश, જેમ આકાશમાં ચંદ્ર ચમકે છે તેમ હું ધરતી પર ચમકીશ અને પ્રકાશ પાથરીશ। હું એક દીકરી છું, હું ખૂબ જ ભણી ગણીને તથા મહેનત કરીને સ્વનિર્ભર બનીશ, હું દુનિયાને જોઈશ તથા દુનિયાને સમજીશ, હું એક દીકરી છું। જેવી રીતે બગીચામાં ફૂલો ખીલીને સુવાસ ફેલાવે છે, તેવી રીતે હું પણ ધરતી પર મોટી થઈને મારી સુવાસ ફેલાવીશ, પતંગિયાની જેમ હું પણ હવાની સાથે ઉડીશ અને ધરતી પર નાચીશ ગાઈશ, હું એક દીકરી છું। अब हम ए
देखेंगे कि इस लड़की की क्या क्या तमन्ना है। इसी तरह हमारे देश में भी कहीं लड़कियां है, कहीं स्त्रियां है जो अपना नाम देश में रोशन किया है। तो हम पहले देखेंगे कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी छोटे से व्यापारी थे, माताजी गृहिणी थी। कल्पना बचपन से ही आकाश में विमान उड़ाने के सपने देखती थी। वह एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी। अमेरिकी नागरिक विमान प्रशिक्षण पियर के साथ शादी की। 5 दिसंबर 1957 के दिन नासा के स्पेस शटल द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की। ये हमारी देश की लड़की थी। अब हम दूसरे देखेंगे सुनीता विलियम्स। इसका नाम भी आपने सुना होगा। अमेरिका में जन्म, पिताजी दीपक भाई पंड्या गुजराती और माता अमेरिकन। बचपन से ही पिताजी का पूरा सहयोग मिला। पिताजी ने उसको निर्भयता का पाठ सिखाया। सबसे ज़्यादा अवकाश सफर किया कल्पना चावला के बाद की भारतीय अवकाश यात्री है। 15 जुलाई 1912 को 180 दिन की लंबी अवकाश सफर को है, अवकाश सफर की है। ये हमारे गौरव की बात है। अब हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में अमर है। वह 1857 से स्वतंत्र संग्राम में लड़कर शहीद हो गई। बचपन से ही वह हिम्मत वाली थी। मीराबाई, मेवाड़ में जन्म लेने वाली मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन होकर भक्त बन गई। मीरा जन्म से ही भगवान कृष्ण की मूर्ति से खेला करती थी। पति के अवसान के बाद वह भक्ति करने लगी। सामाजिक बंधनों को तोड़कर भक्त कवित्री बनी। तो आप देख सकते हैं इस काव्य में कि पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं को अभिव्यक्त द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। आप भी अपनी आशा और भावना को व्यक्त करके देश का नाम रोशन करो। होमवर्क में आपको खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी काव्य ढूंढकर उसका गान करना है। आपको एक काव्य ढूंढना है और गान करना है।